अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग बनाने लगे हैं पफ पेस्ट्री की मदद से, पफ कह लें मतलब कुछ भी कह लें यार। अच्छा जी, ये भी हम लोग पफ पेस्ट्री से बनाने लगे हैं बिल्कुल पैटीज, जो कि बिजारी तरीके से बनेंगे। अभी ये जो सब्ज़ियाँ हमने ना, पता क्या किया था, सब्ज़ियाँ सारी बनाकर ना, तो हम लोगों ने मसाला क्रिएट करके समोसे में भी हम यूज़ कर लेते हैं, पैटीज में भी, तो सारा कुछ। अभी ये पैटीज बन रहे हैं, सैंडविच टाइप के पैटीज। तो पफ पेस्ट्री आपको बहुत ज़रूरी है लेना। फिर उसके बाद ही आप लोग पेस्ट्रीज भी बना सकते हैं, पैटीज बना सकते हैं, लाइक मतलब क्रिस्पीनेस लानी होती है ना। तो यहाँ पर अभी जो है हम लोग हर्ट शेप बनाने लगे हैं, इतनी प्यारी हर्ट शेप बनी थी, और साथ ही हम लोगों ने स्टार शेप बनाई। और फिर जब इसको हम लोगों ने कट कर लेना है, मतलब प्रॉपर एक शेप बन जाएगी। और अभी छोटे से मिनी दिल पे हम लोग लगाएंगे जैम। जैम लगाने के बाद जोर देना है, जैसे हम लोगों ने गाना सुना हुआ है, दो दिल छुपके छुपके जुड़ गए, कुछ ऐसा गाना है। अस्तगफिरुल्लाह, रमज़ान चल रहा है लेकिन जेन में आ गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एयर फ्रायर में रखते थोड़ा सा दूध अप्लाई किया, और यहाँ पर अम्मा थोड़ी सी, मैं भी बन गई, क्योंकि जो काम मुझे आसान लगा मैंने बस लगा दिया एयर फ्रायर पर। अभी यहाँ पर टिक्कियाँ जो हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में समोसियाँ उसी मसाले से हम लोग तैयार कर रहे हैं, और पैटीज हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और टीटू जो है ना, सबसे पहले हमला करने आया, रोज़ा खुला ही नहीं था अभी। अभी मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ बताती हूँ। सेम हम सब बाजारी पैटीज लेते हैं बिल्कुल, ये वैसे क्रिस्पी भी, और ये देखिए आप, ये सारा मतलब जो पैटीज में से निकलता है क्रिस्पीनेस का। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखिए चीज़ी भी है बिल्कुल, जो टेस्ट है ना वो बेकरी के जो पैटीज की तरह बहुत ज़्यादा यमी बने थे। घर में चीज़ बनाने का तो मज़ा ही अलग है। अच्छा, मैंने सोचा डाइट तो वैसे ही छुट्टी कर गई है, फिर मैंने आइसक्रीम मंगवाई, और ये था मेरा मिनी व्लॉग। अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।